ये जो कंवड़िया की यात्रा के बारे में जो राजनीति हो रही है, ये हमें विकसित भारत की ओर तो नहीं ले जा ले जाती ले जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये देश एक मॉडर्न देश बने, एक विकसित देश बने, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए, गृह मंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि ऐसे विवादित मुद्दे जिसका मकसद केवल राजनीति है नहीं उठाएं। ये टकराव की राजनीति, विवाद की राजनीति, जिससे कोई आम आदमी का लेना देना नहीं है, और इसे होगा क्या कि विवाद बढ़ेगा, लोगों की जिंदगी में संकट आएगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, भाषणबाजी होगी, और इसका नतीजा क्या होगा? पार्लियामेंट में मुद्दे उठेंगे, जो देश के सामने जो चुनौती है, आर्थिक चुनौती है, राजनीतिक चुनौती है, जो हमें मिलकर काम करना चाहिए पार्लियामेंट में, वो काम में कोई बढ़ावा नहीं होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे जो देश में उच्च स्तर के लोग जो बैठे हुए हैं, वो इस बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि अब 3 चुनाव आने वाले हैं और इनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ऐसे इस किस्म के विवाद उठें और तनाव हो और किसी एक दल को राजनीतिक फायदा हो और किसी को नुकसान हो। और नुकसान तो किसी का होता नहीं है, नुकसान तो जनता का होता है, वो भी गरीब आदमी का होता है, जो 2 पैसे कमाना चाहता है वो भी नहीं कमा पाएगा। जितनी भारी समस्या बेरोजगारी की आज देश के सामने है, उस पे ध्यान दीजिए। अभी हाल ही में 60,000 जॉब्स की उत्तर प्रदेश में निकली थी, उसमें से 47 लाख उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दी थी, 47 लाख उम्मीदवारों ने 60,000 जॉब्स के लिए। वो कोई बड़ी स्तर की जॉब नहीं है, 1.25 करोड़ उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दी रेलवे में, नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, जॉब्स के लिए। बिहार में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं कि बेरोजगारी है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सरकार, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन मामलों में सरकार आंख बंद किए हुए है और सुनने को तैयार नहीं। तो आप अगर आंख बंद रखोगे, कान बंद रखोगे और केवल भाषण ही देते जाओगे, तो उससे तो विकसित भारत पर नहीं बनेगा ना। और फिर वही जो बयानबाजी है, वो आपके मीडिया चैनल चलाता है, वो भी नज़रअंदाज कर देता है जो देश के सामने जो मुद्दे बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि खास तौर पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के, कि जो उन्होंने जारी किया है ना डायरेक्टिव, इसको बंद करें। जो भी यात्रा हो रही है होने दें, पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं। तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए,
और अगर ठेला लगा है तो वो भी अपना बताएगा नाम कि इसका ओनर कौन है। अरे सब जानते हैं, कोई भी यात्रा पर जाए सब जानते हैं कि किस जगह के मुझे खाना खाना है, किस जगह नहीं खाना। खाने खाने की राजनीति, पहनने की राजनीति, शादी करने की राजनीति, और मतलब कि कौन सी भाषा बोलते हो वो उसकी राजनीति, लिव इन कपल्स की राजनीति, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की, मतलब कि क्या है। और ये सरकार तो इसलिए बची हुई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको डिविडेंड के द्वारा लाखों करोड़ रुपए दिए हैं, 3.24 लाख करोड़। सरकार का फिस्कल डेफिसिट ही, अभी बजट पेश होने वाला है, उसके बारे में बात करें कि क्या क्या चुनौतियां हैं देश के सामने, आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी तो केवल एक ही है, लेकिन इस दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बढ़ता जा रहा है, वहां आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, तभी विकसित भारत होगा। सड़क बनाने से बच्चा एम्पावर नहीं होता, कभी होता है बच्चा एम्पावर सड़क बनाने से? सड़क पे तो गाड़ी चलेगी ना, यही होगा ना, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए किसी को पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए उसको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। शिक्षा नहीं दोगे तो गाड़ी नहीं खरीदोगे, गाड़ी नहीं खरीदोगे तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, तो आप जितने मर्जी अपने बनाते जाओ सड़कें। और आज के दिन सबसे भारी जरूरत है बच्चों की शिक्षा की और स्वास्थ्य की, महिलाओं की, खास तौर पे महिलाओं को रोजगार की। तो आपको मालूम है कि विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो लगभग कोई 150 देशों से नीचे है, और जो महिलाएं वर्कफोर्स में बांग्लादेश में ज्यादा है, बाकी देशों में ज्यादा है। और फिर विवाद होता है कि जीडीपी, जी हमारा तो 6% है, हमारा 8% है, तुम्हारे वक्त ये नहीं था, हमारे वक्त ये है। अरे आंकड़ों से कुछ नहीं होगा, जाके जमीन पे देखो क्या हो रहा है, आंकड़ों से क्या होगा, आंकड़ों से फिर विवाद पैदा होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष को बैठ के ये तय करना चाहिए कि किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े। और आपको ये जो आपने क्रिमिनल लॉज जो पास किए हैं ना, जिनको लागू कर दिया आपने 1 जुलाई से, उससे तानाशाही और बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो इंस्पेक्टर है, जो आपका इंस्पेक्टर है, वो तो जिस तरह से आपने उनको ये हक दे रखे हैं इन क्रिमिनल लॉज में, वो तो कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। शायद जनता को ये बात मालूम नहीं, आपको मालूम है कि अगर कोई हिंसा की बात या कोई क्राइम अगर तमिलनाडु में हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस कर सकती है। ये जो नए जो कानून लागू हुए, और दिल्ली पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है चाहे वो हादसा तमिलनाडु में हुआ हो, और इन्वेस्टिगेशन करके केवल उसको चार्जशीट वहां फाइल करनी पड़ेगी। इसका मतलब केंद्र ने अपने हक में इस इन कानून के द्वारा ये कर लिया है कि हम किसी 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 प्रदेश में कोई भी ऐसे बात हो रही हो जो क्राइम हो उसकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। ये तो फेडरल प्रिंसिपल का एक सरासर उल्लंघन है, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि कोई भी पुलिस अफसर और पुलिस कांस्टेबल जो इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, वो उसी जगह का होना चाहिए जहां हादसा हुआ,
और अगर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं और जाना पड़ेगा तो फिर उस प्रदेश से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। वो मामला भी खत्म कर दिया इन्होंने। तो ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं ये और ऐसे ऐसे विवाद उठा रहे हैं ये। इनको लगता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और है नहीं। देखिए ऐसा है, इनकी चमक तो उतर चुकी है, वो जो शीन है ना वो खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। भाषण बड़ा अच्छा देते हैं लेकिन काम करना नहीं आता, काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने प्रति दिलचस्पी है लेकिन देश के प्रति मुझे ऐसा लगता है कि इनका ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा। हम इनकी इज्जत करते हैं और हम जिस पद पे ये लोग बैठे हुए हैं उसकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आम आदमी ने ये ठान लिया कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे तो देश संकट में आ जाएगा। इस संकट से देश को बचाइए, ये ऐसी विवादित राजनीति को ख़त्म करिए। ये कवड़िया और ये बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं। देश का भविष्य आपके हाथों में है और हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। दुख ये है कि आप आज भी अपनी मनमर्जी करना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कानून में इसका कहीं उल्लेख है कि सरकार इस तरह से सबके नाम जो है वो कहीं मेंशन करा सकती है? क्या कानून ये कहता है? जाहिर है। आपका शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा आपको देखना पड़ेगा कि आपका शॉप का एस्टैब्लिशमेंट जो भी उसमें प्रावधान है उसका आप उसको पूरा करना पड़ेगा। तो शॉप का नाम बताना पड़ेगा, दैट्स ऑल। लेकिन उसके ओनर का नाम, ये क्या मतलब हुआ? ओनर कौन है, नहीं है, महिला है, पुरुष है, इसका क्या मतलब है? तो कोई मतलब नहीं ना। वो बेचने वाला है, वो कोई भी हो सकता है बेचने वाला। वो तो अपने, ये तो चाहते हैं कि उससे बिक्री ना हो। ये विवाद तो इसीलिए है ना कि उसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। सर, बट बीजेपी इज नाउ सेइंग दैट कांग्रेस इज द वन हु ब्रॉट दिस रूल इन 2006 एंड दिस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग मुलायम सिंह गवर्नमेंट। सो इट वाज ब्रॉट बाय, यू नो, वेदर इट वाज ब्रॉट बाय दिस और ब्रॉट बाय दैट, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस हैपनिंग अर्लियर? हैव यू एवर हर्ड? राइट, I've been also here for 40 long years. I've never seen this kind of thing happen. तो भाई जमीन पे हो क्या रहा है, इसका फायदा क्या है? कोई कह रहा है कि देख लीजिए जी चिली की, हम क्या करें, हम तो लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। यही होगा ना कि बिक्री नहीं होगी, तो फायदा किसका होगा? फायदा तो राजनीतिक चाहते हैं ये। सर, अपोजिशन लगातार जब से चार तारीख के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद ये कहता रहा कि जो ये लोग राजनीति जिस तरह की करती थी वो उस पर ही हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति, आपको लगता है कि ये और जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल चल रही है, क्या योगी आदित्यनाथ क्या नुकसान चाहते हैं बीजेपी का, इसलिए ऐसा हो रहा है, या वो अपने जिस तरीके के वो माने जाते हैं, जाने जाते हैं जिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं? अब कहाँ स्टैंड? देखिए ये तो आप अखबारों में पढ़ रहे हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, ये तो उनकी अपनी बीजेपी की अंदरूनी बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से उनको उत्तर प्रदेश में जो नतीजे मिले हैं पार्लियामेंट के चुनाव में, तो निश्चित रूप से गौर है ये हो रहा है कि किस तरह से राजनीति को एक ऐसा दौर देना चाहिए
जिसकी जिसकी वजह से भाजपा वापस दोबारा सत्ता में आए। और बात अब कर रहे हैं कि 2027 की चुनाव की, हालांकि 2027 का चुनाव बड़ी दूर है, लेकिन उसकी बात भी आज के दिन चर्चा, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। लेकिन और अभी देखिए, अखिलेश जी ने कहा है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, हाँ तो ये भी अब ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगेन इश्यू ये नहीं है, इश्यू है कि हमारे देश के सामने देश की आम जनता, देखिए देश अमीरों के लिए नहीं होता, सीधी बात तो यह, सरकार अमीरों के लिए नहीं होती, सरकार गरीब के लिए होती है। गरीब का उत्थान होगा तो देश विकसित होगा, अमीर का उत्थान होगा और गरीब वहीं का वहीं रहेगा तो देश भी वहीं का वहीं रहेगा। तो इनको ये बताना चाहिए कि हम देश की जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, जिन बच्चियों को शिक्षा नहीं मिल रही, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके बारे में हम क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। सर राजस्थान में भी सावन माह में चिकन की दुकानें बंद रखें कि विधायक वहां के जो बाल मुकुंद आचार्य वो कर रहे हैं, उत्तराखंड में बंद रहेंगे, इसे आप तो ठीक है आप बना दीजिए नॉन वेज वेजिटेरियन देश, ऐलान कर दीजिए, क्यों नहीं कर देते आप, रोक लगा दीजिए, घर के चिकन में चले जाए, किचन में चले जाइए, आप पूछ लीजिए कि क्या बना रहे हो आप, अगर कोई बना रहा है कोई नॉन वेजिटेरियन डिश, उसको बोलोगे बंद करो। और ये भी कह दो कि भाई हर मकान के आगे, घर जहां वो रहता है वहां बोर्ड लगा दो कि यहां वेजिटेरियन खाना ही बनेगा, नहीं लगाओगे तो हम सोचेंगे कि नॉन वेजिटेरियन बनेगा। तो ये भी कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सत्ता चाहिए, बरकरार चाहिए, सत्ता आपकी बरकरार रहनी चाहिए, आपको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। सर हरियाणा में कांग्रेस के विधायक हैं सोनीपत के सुरेंद्र पवार, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है इलीगल माइनिंग केस में। आप इससे पहले भी तमाम ईडी के विश्वसनीयता पे आप सवाल खड़े करते रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई उस पर आप नहीं, बस देखिए मुझे तो जानकारी नहीं है जो वहाँ जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में मुझे टिप्पणी करना सही नहीं लगता। ठीक है सर, यूपीएससी के चेयरमैन ने रेजिग्नेशन डाल दिया है, पूजा खेड़कर मामले में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर, कैसे वो किस गलत तरीके से वो एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रही थी, अब ये तो मैं आपको सर, ये तो एक ही उदाहरण है, और तो हम रोज केस करते हैं कोर्ट पे, रोज के रोज ऐसे सर्टिफिकेट आते हैं। और एक तो राजनीतिक, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, तो एक बड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, अभी तो चुनाव हार गई, लेकिन उसके उनका सर्टिफिकेट भी बड़ी चर्चा में था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है वो अलग बात है, लेकिन ये तो रोज़ चलता है, क्योंकि क्योंकि आपको एक फ़ायदा मिलता है, राजनीतिक फ़ायदा मिलता है, वैसे भी फ़ायदा मिलता है, नौकरियों में फ़ायदा मिलता है, तो लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अगर मैं रेगुलर कंपटीशन में नहीं आ सकता तो ऐसे ही आ जाऊं, तो ये तो होगा, इस पर अब रोक लगाना बड़ा मुश्किल है।